हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यू वाचिंग ए टी वी। आज की इस वीडियो में हम मैजिक बुक को बनाना सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने मैजिक बुक को दिखाया था कि वो किस तरीके से कभी काफ़ी खाली दिखता था, पूरा बुक खाली दिखता था, और अगली बार में वो बुक पूरे का पूरा भरा दिखता था। पर ये कैसे होता था, उस बुक को बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से वो बनता है। यदि आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक को क्लिक कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बुक बनाने के लिए हमें एक पेपर चाहिए। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, कितना भी साइज का पेपर ले सकते हैं, और उसे बराबर बराबर पीछे इसमें हम सीजर के हेल्प से काट लेंगे। तो काटना शुरू करते हैं। ये हमने सारा पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ये मैंने 16 पीसेस कर लिए, आप और भी पीसेस कर सकते हैं। अब इनमें से दो पीस को हम अलग कर लेते हैं और बाकी पीस में हम वैक्स कलर के हेल्प से कुछ लिख लेते हैं। लिखना शुरू करते हैं। जो कि हमारा चैनल का नाम है, इसे ही हमने लिख लिया। सभी में लिख लेते हैं। ये हमने सारा पेपर में लिख लिया बारी बारी करके। अब हम क्या करेंगे, इसे सारा जो पेपर है उसके एक साइड कट लगाएंगे। जो एटीवी लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड कट लगाएंगे, इस तरीके से। नीचे आप देख रहे होंगे इस तरीके से कट लगाना है। ऐसा ही हम सब में कट लगाते जाएंगे एक एक करके। जैसा कि हमने सब में कट लगा दिया है, अब इसे अरेंज करना है। तो अरेंज कुछ इस प्रकार से करना है कि हमारा ब्लैंक साइड एक तरफ रहे और लिखा हुआ साइड एक तरफ रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक साइड इस तरीके से रखेंगे और फिर ये कलर के पास, फिर ब्लैंक है तो ब्लैंक के इधर ब्लैंक, फिर कलर के उधर कलर, फिर ब्लैंक के साइड ब्लैंक, फिर कलर के साइड कलर, ब्लैंक के साइड ब्लैंक, कलर। हमने सारा कर लिया। अब हम दोनों साइड के ऊपर एक एक पेज जो शुरू में रखा था उसे लगा देंगे और इसे अच्छे से शेप में लाकर, काफी सिमेट्रिकल शेप में लाकर, कि ये जरा सा भी ऊपर नीचे ना निकला हुआ हो, काफी अच्छे से सावधानी से इसके ऊपर स्टेपल कर लेंगे।
दो स्टेपलर काफ़ी होगा, हमने कर लिया। अब इसके बाद आप चाहे तो ग्लिटर टेप के हेल्प से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इसे। बस अब इसके ऊपर हम लिख लेते हैं मैजिक बुक। नीचे इसके बैक साइड भी लिख लेते हैं। बस आपका ये मैजिक बुक बनकर तैयार हो गया है। इसे हम जब एक बार खोलते हैं तो बिल्कुल आपको ब्लैंक दिखता है, लेकिन दोबारा हम इसे जब खोलते हैं तो ये लिखा हुआ दिखता है, आपको दिख रहा होगा। एक बार इसे खोलता हूँ बिल्कुल वाइट, दोबारा भी दिखाता हूँ बिल्कुल वाइट, फिर दोबारा इसे खोलता हूँ तो ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। ये कैसे होता है कि जब हम इसे फोर्स देते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, उसे छोड़ते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो ये जो मुड़ा हुआ पेज है ये इसे फोर्स दे रहा है, और इसे जब छोड़ता हूँ तो ये आगे बढ़ता है, फिर छोड़ता हूँ तो आगे बढ़ता है। इन पेज के बीच में बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो प्रेशर के कारण एक ही पेज बाहर निकलता है फिर दूसरा पेज बाहर निकलता है। लेकिन जब यहाँ से मैं इसे फोर्स देता हूँ तो एक पेज प्रेशर के कारण आगे निकल जाता है और दोनों पेज के बीच एयर नहीं है, तो इसके फोर्स के साथ ये भी निकल जाता है उसके साथ, और दूसरा पेज हमारे हाथ में ही रह जाता है। ये जो कटा हुआ जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो कटा हुआ पेज है, होता क्या है कि हम जब यहाँ से फोर्स देते हैं तो पहला वाला पेज बाहर निकल आता है और इसके साथ साथ ये वाला पेज भी साथ में बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच कोई भी एयर नहीं रहता है और इसके साथ साथ ये भी बाहर निकल आता है, और फिर यहाँ पर आपको ग्रिप मिल जाता है तो ये पेज यहाँ रुक जाता है, और यहाँ पर ग्रिप नहीं मिलता है क्योंकि ये पेज कटा हुआ है कोने से, तो इसके साथ साथ ये भी बाहर निकल आता है। आपने ध्यान दिया होगा उस वीडियो में, तो मैं इसके दोनों एंड से इसे पेज को हम स्क्रॉल करते हैं, ना कि बीच से। यदि बीच से करूं तो दोनों आएगा। ये देखिए, ऊपर से करूं तो ऊपर से करने पर, मतलब साइड से करने पर हमें मैजिक दिखता है, बीच से करूं तो मैजिक नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पे पैच नहीं कटा हुआ है और ऊपर नीचे पेज कटा हुआ है किसी किसी में, इसलिए वो किसी किसी पेज को स्क्रॉल करता है, और इस तरीके से हमारा मैजिक बुक काम करता है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मैजिक बुक का राज, कि ये किस तरीके से काम करता है, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।